सेव सेव किया किया था था ना मैं सिर्फ इसलिए गया क्योंकि उसने मुझे कॉल दैट्स इट इट बट तो फॉर समवन एल्स जिंदगी में सेव करना जरूरी है मगर जब बात पैसों की हो सिर्फ सेविंग से काम नहीं चलेगा इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए और अपने सेविंग्स को आगे बढ़ने का मौका दीजिए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली नमस्कार द प्रिंट में आपका स्वागत है इसराइल हमास युद्ध से लेकर आगामी तेलंगाना चुनाव तक पिछले हफ्ते आपने हमें ढेर सारे सवाल भेजे और आज के इस एपिसोड में हम एक बार फिर आपके सवालों पर चर्चा करेंगे हेडलाइंस के पीछे शेखर के साथ मैं अपूर्वा मंधानी और मेरे साथ है हमारे एडिटर इन चीफ शेखर गुप्ता स्वागत है आपका शेखर धन्यवाद अपूर्वा और ये दूसरा सप्ताह है कि हम ये आपको बुधवार को यानी कि वेडनेसडे को दिखा रहे हैं तो संडे से हमने डेट शिफ्ट किया है हमने सोचा संडे में आप लोग बहुत चीजों में मसरूफ़ रहते होंगे आराम करते होंगे आप न्यूज़ की हम तो संजीदा सीरियस न्यूज की बातें करते हैं तो आप हमें बताइएगा कि आपको ये शिफ्ट पसंद आई कि नहीं और अगर आप कहते हैं तो हम इसको और तरीके से किस और तरीके से पेश कर सकते हैं बिल्कुल तो हमें बताइएगा हम सारे ही आपके कमेंट्स पढ़ के उस हिसाब से फिर एक डिसीजन uh, लेंगे uh, पहला सवाल शिखर आ रहा है तक रथ का हमारे मेंबर है uh, बहुत सारे एनालिस्ट ये सजेस्ट कर रहे हैं कि इसराइल गाज़ा पर अटैक किए बग़ैर भी इस सिचुएशन से डील कर सकता था आपका इसके बारे में क्या सोचना है क्या कोई ऐसा ऑप्शन था इसराइल के पास जो बिना बूट्स ऑन ग्राउंड अटैक के इसराइल को उसकी ऑब्जेक्टिव हासिल करवा सकता था देखिए पहली बात तो यह है कि जिस तरह से हमास का अटैक हुआ था इसराइल के अंदर और ये कोई वेस्ट बैंक में नहीं हुआ था जो ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक है वहाँ पे नहीं हुआ था क्योंकि वहाँ पे सेटलमेंट्स से है इसराइल के जी। तो मैं ये नहीं कहता कहीं भी औरतों बच्चों को बूढ़े लोगों को ऐसे मारना या उठा के ले जाना अच्छी बात है लेकिन वहाँ पर फिर भी वो वेस्ट बैंक होता ऑक्यूपाइड ये जो इसराइली मेन लैंड में हुआ जो प्री सिक्सटी नाइनटीन का जो असली नक्शा है पहले इसराइल का उस एरिया में हुआ और उसमें जिस तरीके से हुआ उसके रिस्पांस में इसराइल का ड्रास्टिक कुछ नहीं करना संभव नहीं होता किसी की भी सरकार होती जी। तो काफ़ी कुछ गाज़ा में हुआ होता उसके बाद लेकिन उसमें वहाँ फौज लेके जाना और वहाँ पे सारे गाजा को इस इस एक्सटेंट तक बॉम्बिंग करना तो वो मैंने लिखा भी है नेशनल इंटरेस्ट में आप पढ़िएगा पूर्व आप जरा लि, लिंक भी शेयर कर दे, कर दी कर दीजिएगा दी कि इसका तरीका वही होता जो इसराइलीस का आमतौर पर तरीका होता है जो कि ये होता है कि सबको प्लान करो इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करो और जो नेताओं ने या जिन सरगनों ने या जिन लोगों ने ये खेल खेला हो उनको जाके सजा दो जैसे कि म्यूनिक में मैसेकर हुआ था इजरायली एथलीट्स का जी। तो उसमें जितने लोग इन्वॉल्व थे बारी 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 सबको जाके मार दिया गया तो इसराइल के पास वो कैपेबिलिटी है क्लिनिकल काम करने की तो जो आपको क्लिनिकल काम करने की है तो उसके लिए आपने इतना बड़ा स्लेज हैमर क्यों इस्तेमाल किया उसका एक ही कारण है और कारण यह है कि नेता के का का जो अपना अपनी जो कुर्सी है वो डामा डोल है इस समय उनकी अपनी मेजोरिटी नहीं है उनका एक कोलेशन है एक आध की मेजोरिटी से चलता है उसके कोलेशन में हर तरह के लोग हैं उनके ऊपर करप्शन केस हैं तीन अब उनके लिए प्रधानमंत्री बने रहना जरूरी है क्योंकि जब तक प्रधानमंत्री हैं तब तक उनका मुकदमा शुरू नहीं हो सकता जिस दिन प्रधानमंत्री नहीं बने रहेंगे उनका मुकदमा शुरू हो जाएगा जी। तो इस सारी बातों से काफ़ी लोग डेमोक्रेसी का फायदा भी होता है कभी कभी नुकसान भी होता है क्योंकि उसको उनको अब इस बात का ख़तरा है कि इससे एक तो पहली बात है कि बहुत बड़ा फेलियर हुआ है कि इसराइल के अंदर इतना बड़ा इंटेलिजेंस का फेलियर हो गया बॉर्डर सिक्योरिटी का फेलियर हो गया इतने लोग आ गए ना तो आप उन्हें रोक पाए ना उन्हें उन्हें पहले देख पाए ना उनके आने के बाद आप जल्दी से रिस्पॉन्ड कर पाए जी। तो ये तो भारत में पंद्रह साल पहले हुआ था 2008 में ट्वेंटी सिक्स के टाइम में कि भारत सरकार करीब 36 घंटे 48 घंटे के बाद ही कुछ रिस्पांस दे पाई जबकि एन एस टी वहाँ पहुँचे फिर उन्होंने प्लानिंग की तब तक सारी दुनिया में भारत की छिछा ले हो चुकी थी तो वो 2008 था और भारत था भारत तो ऐसा नेशनल सिक्योरिटी स्टेट नहीं है इसराइल जो है वो नेशनल सिक्योरिटी स्टेट है जैसे पाकिस्तान है नेशनल सिक्योरिटी स्टेट है सब कुछ नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर लगा रहता है और ट्वेंटी फोर हर किसी का ध्यान सिक्योरिटी की तरफ रहता है तो so, उस हालत में लोगों का घुसाना जो जो उन्होंने किया और जितने समय तक किया वो करना जिसमें उनका कोई मारा भी नहीं गया किसी ने उनको रोका भी नहीं ये बहुत ज़्यादा नेता सरकार के लिए बहुत एक आ, मैं कहूँगा बदनामी का विषय है और लगता नहीं जितनी ओपिनियन पोल भी वहाँ पर आ रही हैं उनमें लगता नहीं कि नेतन्याहू फिर से सत्ता में आ सकते हैं तो एक तरीका है कि मैं कुछ करके कोई तरीके से ड्रामेटिक कुछ कर लूँ कुछ हो जाए लेकिन डेस्प्रेशन है और ज़रूर ज़रूरत से ज़्यादा फ़ोर्स का इस्तेमाल किया गया है और ये चीज़ें टैक्टिकली कुछ और तरीक़ों से स्ट्रेटजी यूज़ करके के हो सकती हैं बजाय इसके कि जाके सब कुछ के ऊपर बम डाल दो और सब कुछ ख़त्म कर दो क्योंकि आप कोई भी सब कुछ नहीं खत्म कर सकता है। जी अगला सवाल आदित्य का है बोल रहे हैं कि आगामी तेलंगाना चुनावों के संबंध में आपके क्या विचार हैं ऐसा लगता है कि इस बार कांग्रेस एक गंभीर दावेदार है जो कि केसीआर और केटीआर जैसे बीआरएस नेताओं के भाषणों से स्पष्ट है जो लगातार राहुल गांधी और कांग्रेस पर हमला कर रहे हैं बोल रहे हैं कि आपको लगता है जैसे कि कर्नाटका में हुआ था जहां चुनाव परिणाम के बाद बीजेपी और जेडीएस दोनों एक साथ आए थे अगर कांग्रेस तेलंगाना में अच्छा प्रदर्शन करने में सक्षम है तो बीजेपी और बीआरएस एक साथ आ सकते हैं और इसका पवन कल्याण की जनसेना जैसी पार्टी के साथ भाजपा के संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा देखिए पहली बात तो आखिरी बता देता पवन कल्याण शोर बहुत है, बहुत है है लेकिन डिलीवरी कम वो अच्छा। कहीं मंच पे जाएं तो बहुत शोर होता है वो स्टार है पॉपुलर है लेकिन आज तक वो पोलिटिकल लेवल पे वोटो में इतना ज्यादा कोई कारनामा नहीं दिखा पाए दूसरी बात ये बात बिल्कुल सच है अब जो भी नतीजा हो चुनाव का संडे को आएगा नतीजा लेकिन ये साफ है कि अब कांग्रेस पार्टी वहाँ काफ़ी आगे चली है और इस मामले में अब कोई डाउट नहीं है कि कांग्रेस पार्टी वहाँ की सेकेंड पार्टी है पहले थी लेकिन वो लग रहा था कि वो जगह बीजेपी ले ले रही है क्योंकि पार्लियामेंट में बीजेपी की चार सीटें आई उन चार सीटों में से एक सीट आ, के सी आर की बेटी जो है कविता के कविता उनको हरा के आई उसके बाद उसके बाद कुछ बाई इलेक्शन बीजेपी ने जीते और एक जो हैदराबाद में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का जो इलेक्शन हुआ उसमें बीजेपी का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा मुझे एक्जैक्टली exactly याद नहीं पर करीब बीजेपी की 40 सीटें आई और केसीआर की के 45 सीटें आई और सरकार के सी आई की वहाँ के सी आर की वहाँ वह इसलिए आई क्योंकि असदुद्दीन असदुद्दीन अवैसी की पार्टी के भी करीब 40-45 सीटें आई तो मिल के आई तो ये लग रहा था कि बीजेपी ही यहाँ नंबर टू पार्टी बन गई है लेकिन अब ये लग रहा है कि कांग्रेस वहाँ उभरी और कांग्रेस नंबर टू पार्टी है अब देखते हैं चुनाव का नतीजा क्या होता है नंबर वन पे कौन आता है और आपकी बात ठीक है अगर मान लीजिए नंबर टू पे बीआरएस आती है तो बीआरएस आर आगे का सोचना शुरू करेगी क्योंकि उसकी अगर उसका मेन राइवल वहाँ पे कांग्रेस ही रहेगा रहेगी स्टेट में तो ये होता है कई बार जो हमारे राज्य की पार्टियाँ होती हैं जो एक राज्य तक सीमित होती हैं फिर वो सोचते हैं कि भाई मेरे का मेरे, मेरा मेरा जिससे यहाँ पर मुकाबला है के मुकाबले के लिए मैं जितनी शक्ति एकत्रित कर सकता हूँ कर लूँ और जो दिल्ली में जिसके पास पावर है उससे मैं पंगा नहा लूँ यही पहले चीज़ें जो द्रविड़ पार्टीज करती थी वो हमेशा दिल्ली में कांग्रेस पार्टी फिर बीजेपी उनके साथ मिल रहती थी तो ये हो सकता है कल को वो करे लेकिन इस बात इस पर इस पर निर्भर 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 करेगा कि वो किस तरह का परफॉर्मेंस कर पाते हैं हालांकि देखिए राजनीति में कोई गारंटी नहीं है क्योंकि देवगौड़ा की पार्टी का भी तो जो परफॉर्मेंस है अभी जो चुनाव हुआ कर्नाटका में वो बिल्कुल ही बेकार था जी लेकिन क्योंकि उनके कुछ वोट हैं खास करके वोकली का, का जाति के वोट हैं बीजेपी को ज़रूरत थी उनकी इसलिए बीजेपी ने उनके साथ समझौता किया और वो भी बीजेपी के साथ गए तो कल को इस राजनीति में कुछ भी हो सकता है देखिए ये वो राजनीति है जिसमें कांग्रेस पार्टी और शिवसेना मिल गए तो इसमें कुछ भी हो सकता है अगला सवाल विपुल आगा का है हमारे मेंबर हैं पूछने रहे कि उत्तर प्रदेश में हलाल मास्क को क्यों बैन किया है क्या इसके कारण हिंदू कसाई पर भेदभाव किया जाता था बोले पूरे यूरोप में जानवर को हलाल तरीके से मारना मना है क्योंकि इसे क्रूर माना जाता है क्या पशु हित की बात है या सिर्फ और एक ध्रुवीकरण की राजनीति देखिए पहली बात तो ये कि मेरे ख्याल आप, आपकी ये बात मतलब आपको किसी ने करेक्टली नहीं बताया कि यूरोप में हलाल से जानवर का स्लॉटर करना मना है ऐसा नहीं है क्योंकि आप जाएंगे यूरोप में जाएंगे आप दुनिया भर के एयरलाइंस में जाएंगे रेस्टोरेंट्स में जाएंगे यूरोप में भी तो लिखा होता है कि ओनली हलाल मीट साहब जैसे जैसे लिखते हैं और जो हलाल जो चीज़ें कहते हैं वो जो मुस्लिम जो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं खाने पे वो जोइ रिस्ट्रिक्शन कई वैसी ही होती हैं जिसको कोशर कहते हैं जी। तो ऐसे नहीं है हलाल मीट को भी यूपी में बैन नहीं किया गया है सिर्फ हलाल सर्टिफिकेशन एजेंसीज़ को बैन किया गया है तो उनका कहना है कि लोग जो हलाल का सर्टिफिकेट देते हैं कुछ लोग हैं और उसमें कमीशन लेते हैं वो खाते हैं उसमें भी क्योंकि बहुत भारत का खाना खाद्य पदार्थ एक्सपोर्ट होते हैं निर्यात होते हैं उसके ऊपर बैन नहीं है तो ये मैं कहूँगा चुनाव आ रहे हैं आम चुनाव तो उसके पहले थोड़ा हिंदू मुस्लिम कहानी शुरू करनी है तो उसके अंदर थोड़ी ये भी एक चीज़ शुरू कर दी है क्योंकि यहाँ तो साम दाम दंड भेद सब चलता है जी। तो ये उसी तरह से थोड़ी सी एक दियासलाई फेंकी है

या कुछ ऐसे काम करता देखिए बीजेपी इस बीजेपी का कुछ पता नहीं है किसी को मालूम नहीं था कि योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री बन जाएंगे जी। सब दुनिया भर की अटकलें लग गई थी और कई लोग वहाँ पे अपनी अपनी मेरे ख्याल कुर्ते वुरते प्रेस करा के वेस्ट प्रेस करा के बैठे हुए थे कि मेरी बारी आने वाली किसी की नहीं आई ऐसे ही अब देखिए उसके पहले हरियाणा में किसने सोचा था मनोहर लाल खट्टर या आप सोचें कि झारखंड में प्रसाद किसी ने इनके बारे में नहीं सोचा था तो बीजेपी जो है ये आप सरप्राइज देना पसंद करती है अब फिर सरप्राइज देगी कि नहीं मुझे पता नहीं क्योंकि उनको ये भी समझ आ गया है कि जो उन्होंने हल्के वेट वाले लाइट वेट मुख्यमंत्री रखे वो दोबारा चुनाव नहीं जीत पाए जैसे कि बासवराज बोमाई कर्नाटका में आपके हैवी वेट नेता थे वहां पे आपने उनको हटाया बासवराज बुमई को लेके आए कि उसी कास्ट के भी हैं लिंगायत के हैं हो जाएगा हमारा इतनी बुरी तरह से मुखी खाई कि ना सिर्फ बासवराव बुमई को साइडलाइन किया हुआ है बिल्कुल उनको कोई पूछता नहीं है बल्कि येद्यूराप्पा को भी अब वापस लाए हैं अपने सिस्टम में और उनके बेटे को पार्टी का अध्यक्ष भी बना दिया आपने तो ये आ, बीजेपी के बारे में कोई कुछ कह नहीं सकता लेकिन बीजेपी का अगर बस चले तो वो कोई ऐसा इंसान लाएंगे जो किसी ने सोचा ही नहीं होगा अगला सवाल अनिल तुलसी का है वो भी हमारे मेंबर हैं इसी के साथ दर्शकों को एक बार फिर याद दिला दो अगर आपने देखा होगा तो अब तक भी मैंने ज़्यादातर मेंबर्स के ही सवाल लिए हैं यही एक बेनिफिट है कई बेनिफिट्स में से जो आपको मिलते हैं अगर आप हमारी मेंबरशिप लें यूट्यूब की तो हमारी मेंबरशिप ज़रूर लें शेखर अनिल तुलसी पूछ रहे हैं बोल रहे हैं कि निज्जर समेत कई आतंकवादियों के कत्ल के आरोप भारत पर लगाए जा रहे हैं अगर ऐसा है तो मुझे गर्व है अपनी एजेंसीज पर लेकिन हो सकता है कि वे किसी और साजिश के तहत मारे जा रहे हैं लेकिन अगर भारत ने ये कत्ल करवाए भी हों तो क्या अमेरिका ने भी पाकिस्तान में जाकर ओसामा बिन लादेन को मारा था बोल रहे हैं ऐसा है, मुसाद और रशिया तो कई बार दूसरे देशों में कई लोगों के कत्ल कर चुके हैं लेकिन उनके खिलाफ इतना नहीं बोला गया जितना भारत के खिलाफ बोला जा रहा है ऐसा क्यों एक और चीज़ बोल रहे हैं बोल रहे है, अमेरिका पन्नू के खिलाफ कुछ नहीं कर रहा जबकि पन्नू ने खुले आम धमकी दी है क्या ये सही है क्या भारत भी ऐसा ही करता अगर हमारी ज़मीन से किसी ने अमेरिकन जहाज को बम से उड़ाने की धमकी दी होती देखिए आपने बातें बहुत कही हैं बातों के अंदर बहुत पेच होते हैं तो एक तो पेच ये है कि मैं नहीं मानता कि भारत की एजेंसीज कहीं जाके किसी को मारती हैं और जितना मैं एजेंसीज़ को भी अपने जानता हूँ हमारी एजेंसीज़ काफ़ी ब्यूरोक्रेटिक होती हैं काफ़ी पेन पुशिंग फाइल पुशिंग तेज़ बहुत होती हैं लेकिन वो तेज़ में इंटेलिजेंस गैदरिंग कुछ सोर्सेज रखे इस तरह के काम करते हैं कोवर्ट ऑपरेशंस बड़े हमारी एजेंसीज बहुत कुछ करती हैं ज़रूर जैसे कि आप माने हमारा सबसे मशहूर जो कोबर्ट ऑपरेशन है जिसके बारे में किताबें लिखी गई वो सन इकहत्तर में इंडियन एयरलाइंस का फोकर फ्रेंडशिप प्लेन था छोटा प्लेन था वो हाईजैक करके पाकिस्तान ले जाया गया तो कश्मीरी मिलिटेंट्स बस उस बार बोले बोले गए कुरैशी ब्रदर्स कुछ ऐसा नाम था उनका और कहा कि उन्होंने यह हाईजैक किया है और उन्होंने उन्होंने कहा कश्मीर को आज़ादी दो या किसी को छोड़ो वगैरह वगैरह बाद में उन्होंने बॉम्ब से उड़ा दिया फिर बाद में ये खुलासा हुआ कि वो दोनों रॉके एजेंट थे और वो जो हाईजैक किया था वो ऑपरेशन था उस टाइम आर एन काओ रॉके हेड थे पहले हेड थे फाउंडर भी थे रॉके और ये उनका ऑपरेशन था ऑपरेशन क्यों था कि भारत भारत बीच में था एक तरफ पश्चिम पाकिस्तान एक तरफ पूर्वी पाकिस्तान तो पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में पूरा जो भारत की चौड़ाई है वो उनके बीच में आता था हुँ. तो सारा जो उनका एयर ट्रैवल था वो भारत के ऊपर से जाता था तो सारी सप्लाईज भी भारत के ऊपर से जाती थी ओवर फ्लाइट जैसे कहते हैं भारत को कोई बहाना चाहिए था ओवर फ्लाइट बंद करने का ताकि वो जो उनका जो गैरिसन है ईस्ट पाकिस्तान में उसको ठीक से सप्लाई ना कर पाएं मेंटेन ना कर पाए फिर उनको घूम के आना पड़े आप देखिए कि फिर वो इंडियन ओशन के ऊपर से और श्रीलंका के चारों तरफ से घूम के और वो भी भारत की सरहद से दूर रहते हुए जाएंगे तो उनका रास्ता बहुत लंबा हो गया तो उसका बहाना मिला वो इंडियन एयरलाइंस का प्लेन जो था उसको जलाए जाने से कि आपके आप आपके यहाँ हमारा हाई हुआ आपने कुछ किया नहीं आपने हाईजेक को सपोर्ट किया आप कश्मीरी को सपोर्ट करते हैं इसलिए हम आपको अब आप ओवर फ्लाइट अलाउ नहीं करेंगे तो वो एक ऑपरेशन था तो कुछ ऑपरेशन होते हैं लेकिन ये रोज़ बरोज़ कोई ये टुचे किसी को मार दो बिठा दो ऐसे ऑपरेशंस नहीं होते मुझे लगता है जैसे निज्जर का केस भी है मैं जानता नहीं उसके बारे में लेकिन ये जो ये जो पंजाब के ग्रुप्स हैं गैंग्स हैं ये बड़े ख़तरनाक गैंग्स हैं और हर तरह के गैंग्स हैं इनमें 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 सबसे बड़ा जो रैकेट है वो तो इमिग्रेशन का रैकेट है जिसे पंजाब में कबूतरबाजी कहते हैं कि आप यहाँ से इतने आदमी को कनाडा ले जाएंगे हर किसी की फैमिली से पैसे ले लिए लोग अपनी ज़मीन बेच देते हैं भैंस बेच देते हैं ट्रैक्टर बेच देते हैं कि बच्चा कनाडा चला जाए तो वह गैंग्स हैं जी उसके साथ जो लिंक्ड है चीज़ें और उस उसके साथ जो लिंक्ड है चीज़ें उसके अंदर गन रनिंग भी है ड्रग रनिंग भी है उसके अंदर आप फिर आप देखें जो पंजाब की पॉपुलर कल्चर है उसके अंदर बहुत ही गन्स का और डॉलर गन्स नशा इस सब चीज़ को ग्लोरीफाई करते हैं और उसमें बहुत हिंसा भी होनी शुरू हो गई तभी सिद्धू मूसेवाला का खून भी हुआ वो भी यही कहते हैं कि दो गैंग्स के बीच में आपस में दुश्मनी तो हुआ अभी निजर के एलिगेशंस के बाद कुछ समय बाद एक और हुआ सुखदूल सिंह थे वो भी पंजाब का वेल नोन गैंगस्टर था उसका वहाँ पे असाइसिनेशन हुई उसके बाद एक दो की और हुई फिर आज खबर आ रही थी कि जीपी ग्रेवाल वो भी पंजाब का एक पॉप सिंगर है भंगड़ा पॉप सिंगर है वो वैंकूवर में रहता है उसके घर के बाहर फायरिंग हुई तो ये इन सब के आपस में बहुत दुश्मनी है क्योंकि ईजी पैसा है छोटे से इनके बिजनेस है जिसमें ये कम्पीट करते हैं चाहे वो ड्रग्स का हो चाहे वो इलीगल इमिग्रेशन में कहूँगा सबसे बड़ा है इलीगल इलीगल इमिग्रेशन गन रनिंग ये सब इनके बिज़नेस हैं इसके अंदर इनके आपस की राइवलरी होती है कई गैंग तो देखिए दिल इंडिया में भी गैंग के जो लीडर्स हैं वो जेल में बैठे हैं और जेल से ही ऑपरेशन रन करते हैं और वहाँ से किसी को मारा जाता है तो वहाँ से स्टेटमेंट भी इशू कर देते हैं कि मैंने मरवाया है अब क्या सच है क्या झूठ है कहना मुश्किल है तो ये काफ़ी संभव है ये बात कि ऐसे ही कुछ इस केस में भी हुआ हो लेकिन अब कनाडा की के जो सरकार है वो वैसे बड़ी तेज़ सरकार है कनाडा बहुत तेज देश है लेकिन जो ट्रूडो की सरकार है इसमें मेच्योरिटी की बहुत कमी है ट्रूडो में खुद में मेच्योरिटी की बहुत कमी है और थोड़ी ट्रूडो की भी वही समस्या है जो कि नेता नेहों की, की समस्या है क्योंकि उनका भी सिंहासन डोलता ही रहता है क्योंकि उनको एक बाहर की पार्टी की सपोर्ट चाहिए जो एन पार्टी कहते हैं वो जगमीत सिंह की पार्टी है तो जगमीत सिंह इंडियन सिख हैं वो पार्टी अगर आप सपोर्ट विड्रॉ कर ले तो आज ही सरकार गिर जाएगी तो वो भी एक कंस्टिट्यूंसी है जिसको जस्टिन ट्रूडो को एड्रेस करना पड़ता है लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कहा अपने पार्लियामेंट में खड़े होकर और लगा के जैसे भारत को बिल्कुल कन्विक्ट कर रहे हैं कम से कम कन्विक्ट नहीं करे तो चार्जशीट पढ़ रहे हैं जबकि अभी तो कोई सब, कोई कोई सबूत है नहीं किसी को आपने अरेस्ट नहीं किया अमेरिका ने फिर भी कोई पतवंत सिंह पन्नू वाले केस में कि प्लॉट है उसे मारने का एक एक सील्ड इंडाइटमेंट फाइल करी है वो सील्ड इंडाइटमेंट क्या होती है अपूर्व आपको बताएंगे अभी एक मिनट एक मिनट में लेकिन और उन्होंने जो भारत को भी बताया है कुछ ऐसे ही बताया है कि क्रिमिनल माफियाज वगैरह के अंदर से कुछ साजिश ऐसी हो सकती है जी और भारत के जो राजदूत हैं कनाडा में उन्होंने कैनेडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन पे एक इंटरव्यू में यह बात कही भी एक खुलासा उन्होंने परसों ही किया है तो ये सारी बातें हैं दूसरी जहां तक बात है उनकी दिल्ली की अगर आप देखें गुरपतवंत सिंह पन्नू बहुत चराक इंसान है जब वो पोस्टर लगाता है कि हम इंडिया को ब्लास्ट कर देंगे तो नीचे पतली सी लाइन में एक लिखता है ब्लास्ट इंडिया थ्रू बैलेट्स नॉट बुलेट्स कि उसको हम बैलेट से करेंगे वोट से गोलियों से नहीं करेंगे तो अपने आप को वो कवर कर लेता है जैसे म्यूचुअल फ़ंड का होता है ना म्यूचुअल म्यूचुअल फंड योजना जोखिम के अधीन है जी, ऐसे जी। बोलते हैं आमतौर पे बहुत जल्दी बोलते हैं कि इसको सुनाना जाए ऐसे जो अपने डिस्क्लेमर हैं वो नीचे छोटे छोड़ छोटे लगाते हैं उन्होंने जो एयर इंडिया वाला भी कहा उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं ब्लोअप करूँगा उन्होंने कहा बहुत खतरा होगा उसमें मत जाना 19 नवम्बर 19 नवंबर आप भी समझ गए होंगे कि इंदिरा गांधी की बर्थ एनिवर्सरी थी इंदिरा गांधी से स्पेशल दुश्मनी है तो 19 नवंबर साथ ये भी कहा कि उस दिन वर्ल्ड कप का फाइनल है और कहा ये टेररिज्म वर्ल्ड कप का फाइनल है तो वो आदमी जो है मुझे थोड़ा हेडलाइन हंटर लगता है और उसको इंडिया में हेडलाइन मिल भी जाती है जी। तो उसके लिए अब अमेरिका है हर देश के अपने रूल होते हैं बोलने की आज़ादी है उनकी लॉ में उसको ऐसे नहीं पकड़ सकते अनलेस वो बोले कि मैं कोई एयरक्राफ्ट पे बॉम्ब रखने वाला हूं जी। भारत में हमें ये बात बहुत बुरी लगती है वो बात भी ठीक है लेकिन उसके लिए भारत भी अभी भारत में कोई खड़ा होके बोल दे कि मैं अमेरिका में ऐसे कर दूंगा वैसे कर दूंगा तो क्या होगा उसका सबसे बड़ी बात यह होगी कि उसका नाम ब्लैक लिस्ट में आ जाएगा कल को उसको अमेरिका का वीजा नहीं मिलेगा तो इसलिए आमतौर पर कोई आदमी करेगा नहीं उसको तो छोड़ दीजिए उसके आसपास के उसके बच्चे उसके भाई बहन किसी को भी नहीं मिलेगा जी जी। तो ये बातें चलती रहती है हमको भी बच, बच, बचकानी बातों में बचकाना काम नहीं करना चाहिए इंडाइटमेंट uh, का मतलब अपने दर्शकों को समझा दो यू में अमेरिका में जब कोई केस लाना होता है किसी के खिलाफ तो भारत में ज़्यादातर जो प्रोसिक्यूशन एजेंसी होती है जो uh, सरकार होती है वो एक तरह से चार्जेस प्रेजेंट करती है चार्जशीट फाइल करती है और वो डिसाइड करती है कि uh, किसी के खिलाफ वो केस लाना है कि नहीं यू का सिस्टम थोड़ा सा अलग है वहाँ पर जूरीज होती हैं तो किसी के खिलाफ केस लाने से पहले एक ग्रैंड जूरी बैठती है uh, उसके सामने केस पेश किया जाता है और फिर ये जूरी डिसाइड करती है कि आ, उस इंसान के खिलाफ केस लाना चाहिए कि नहीं इसको सबको इंडाइटमेंट बोलते हैं सिस्टम को तो अभी वो वहां पे चल रहा है केस इसमें आगे चलेगा कि कि नहीं नहीं चलेगा, चलेगा कई केसेस में वो कहते हैं इसमें कोई जान नहीं है इसको जाने दो जी तो उसी समय वो केस हटा देते हैं सील्ड का मतलब ये कि अब वो सील्ड कवर में है वो इंडाइटमेंट तो अभी डिस्क्लोज नहीं हुआ कि उसमें लिखा क्या है आखिर अगला सवाल चलिए शेखर सागर अग्रवाल का है हमारे सब्सक्राइबर है हमें कई सारे हर हफ्ते सवाल भेजते हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद सागर बोल रहे हैं कि मुझे लगा कि मोदी जी भारत भारतीय क्रिकेट टीम से कैमरे के बजाय ऑफ कैमरा मिल सकते थे मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी ने एक ऐसी संस्कृति बनाई है जहां हर चीज़ का प्रचार या उसको प्रमोट करना जा किया जाना चाहिए और कैमरे के लिए सब कुछ अच्छा दिखना चाहिए शेखर जी क्या सोचते हैं इसके बारे में देखिए पहली बात तो है कि जो राजनेता होता है उसका कैमरे के सामने आना उचित भी है और उसका बनता भी है तो मैं उसको कोई ग्रज नहीं करता हूँ तो वो गए मिले खास करके हारने के बाद मिले जीतने में तो सब लोग जाके लेते हैं क्रेडिट तो मैं उसका बुरा नहीं समझता हूँ मेरे ख्याल वो ठीक ही है वो गए थोड़ा ज़्यादा बोल सकते थे हर किसी को बोला होता है होता है होता है जैसे एक आध को बोले बहुत अच्छा खेले थोड़ा सा और अगर उनके स्टाफ उनको एक दो बातें और बताता हो सकता है प्रधानमंत्री हैं क्रिकेट के मैच नहीं देखते हो तो बेचार बातें और कर सकते थे लेकिन फिर भी ये जाना ठीक था और और कैमरा कैमरा भी भी ठीक ठीक ही ही होता 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 है है उसमें ये कि अगर टीम जीती होती प्रधानमंत्री चले गए होते हैं इस स्थिति में जाने को मैं ऐसा बुरा कुछ खास नहीं मानता हूँ अगला सवाल यश सागर का है बोले पीएम मोदी ने जनता या अमीर भारतीयों से डेस्टिनेशन दे, वेडिंग पर रोक लगाने की अपील की बोल रहे हैं भारत में में ही करना चाहते चाहते ना कि या कनाडा uh, आदि जैसे किसी so friendly देश में. क्या आपको लगता है कि लोग उनकी अपील की परवाह करेंगे वो बोल रहे हैं बिग फैट इंडियन वेडिंग्स नई दहेज प्रथा नहीं है अगर प्रधानमंत्री बिग फैट इंडियन वेडिंग्स पर रोक लगाने की अपील करते तो इसका ज्यादा मतलब होता देखिए पहली बात तो ये कि अगर आपने अपनी इकोनॉमी खोल दी है और जब जब लोग अपने तरीके से विदेशी मुद्रा ले जा रहे हैं या इस्तेमाल कर रहे हैं वो कहीं भी कर सकते हैं उसमें तो कोई बुरा मानने की बात नहीं है और विदेश में भी जब शादियाँ होती हैं बड़ी बड़ी भारतीय मूल के लोगों की तो उसमें क्या होता है वही सजावट होती है भारतीय लोग जाके करते हैं जो कपड़े पहनते हैं जा, ज़्यादातर भारतीय होते हैं भारतीय डिज़ाइनर करते हैं मिठाइयाँ पकवान वो सब भारतीय बनाते हैं तो ये जो बिग फैट इंडियन वेडिंग है हमारे एक आज आर्टिकल भी आया है आज उसको पढ़िएगा आप वो टेरेस टेरेस का है हमारे जो डेस्क में है हाँ जी। आ, उनका आर्टिकल है और उन्होंने कहा है कि ये तो भारत का बड़ा सॉफ्ट पावर है दुनिया में तो इसको इसको डिसअप्रूव नहीं करना चाहिए और ये क्या है कि आप बाहर पैसा ना खर्च करें यहाँ पे पैसा खर्च करें फिर कल कोई, कोई कहेगा यहाँ भी पैसा ना खर्च करें देखिए ये देश वहां से आया है जबकि शादी में पचास से ऊपर के लिए आपको परमिट लेना पड़ता था शादी में कितनी चीनी आप इस्तेमाल करेंगे उसके लिए परमिट लेना पड़ता था तो उसके बाद अब लोगों के पास पैसे हैं उन लोगों ने टैक्स देके पैसे अपने जो बचे उसको जैसे खर्च करना चाहें वो खर्च करें क्योंकि उससे भी नौकरियां क्रिएट होती हैं वो पैसा नाली में तो कोई डालता नहीं है अब उसमें ये कहना कि लोग पैसा खर्च करना बंद कर दें अगर बंद कर दें तो फिर पैसे का क्या करेंगे उसको बैंक में डाले जाएंगे तो वो भी अपनी चॉइस हो सकती है बहुत लोग हैं हमारे अमीर जो कि पैसा नहीं खर्च करना चाहते लेकिन जो करना करना चाहते हैं मैं कहूँगा उनको रोकना बिल्कुल नहीं चाहिए और कम से कम कानून इस्तेमाल करके या ज़बरदस्ती तो उनको बिल्कुल भी नहीं रोकना चाहिए और विदेशी मुद्रा के ऊपर भी कोई रोक टोक कोई रिस्ट्रिक्शन जो लॉ में अभी है उसके आगे नहीं लगानी चाहिए अगला सवाल दीपक पदियारी का है हमारे मेंबर हैं बोल रहे हैं कि मैंने नवीन पटनायक पर आपका कट दटर एपिसोड देखा आपने उनकी राजनीतिक सफलता का सारांश एक ईमानदार राजनेता का परसेप्शन बनाए रखना नॉन एम्बिशियस होना और राज्य में कांग्रेस से बेहतर होना बताया क्या ये हमारे टॉप लीडर्स से बहुत कम एक्सपेक्टेशंस रखना नहीं है एक नेता के रूप में मिस्टर पटनायक की ब्लाइंड फॉलोइंग और अटूट समर्थन के साथ क्या ये शर्म की बात नहीं कि उनके शासन के 25 सालों के बाद भी ओडिशा अभी भी एक गरीब राज्य है वास्तव में एक सक्षम नेता निश्चित रूप से सभी संसाधनों के साथ बहुत कुछ कर सकता था मुझे लगता है कि वही है यही वो क्लटर है जिसका आपको हमारे लिए एनालाइज करना देखिए बहुत आ... बहुत नेता उससे बेहतर कर सकते थे तो मैं मानता हूँ लेकिन उड़ीसा की अगर आप पहले देखें तो जिस तरह का उड़ीसा उन्होंने लिया उसके मुकाबले उड़ीसा बहुत अभी बेहतर है 2001 हज़ार दो से 2023-24 में उड़ीसा की जो जीडीपी है वो 19 गुना बढ़ी और जो हमारा नेशनल ग्रोथ रेट है करीब अगर मान लीजिए छः साढ़े का भी बीस साल में तो उड़ीसा का उससे ऊपर रहा है लेकिन ये ज़रूर है कि उड़ीसा की पहले से बेस ही लो थी जी। अब बेस अगर लो है तो उसको आप 20 प्रतिशत पे तो ग्रोथ नहीं करा सकते और हो सकता है कि कुछ इंडस्ट्री आनी और आने दी होती कुछ माइनिंग और अलाउ की होती तो शायद थोड़ा बहुत और बढ़ता लेकिन उड़ीसा की जो शुरुआत थी वही बहुत गरीबी से थी लेकिन आज आप देखिए जैसी स्थिति है उड़ीसा अब बिहार को पीछे पीछे छोड़ जाएगा और उसी दिशा में जा रहा है उड़ीसा को फ़ायदा भी है क्योंकि वो तटीय राज्य है तटीय राज्य के अपने फ़ायदे होते हैं लेकिन उस फायदे का इस्तेमाल करना आ, वो भी एक बड़ी बात है तो उसके अंदर खुद करप्ट ना होना ऐसी इमेज आज तक बनाना मैं नहीं सोचता कि ये मिनिमलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है मिनिमलिक मिनिमलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होती है जैसे कि नितीश कुमार की है कि भाई अपने आप तो भ्रश नहीं है और बाकी कुछ खास कर नहीं रहे हैं ना कुछ नया हो रहा है ना कुछ किसी को गलत करने दे रहे हैं तो वो मिनिमलिस्टिक होता है क्योंकि वहाँ ग्रोथ भी ऐसी नहीं है लेकिन ओडिशा में ग्रोथ सचमुच है जी। और ओडिशा में कुछ हद हाँ तक मैं कहूँगा आई इंडस्ट्री भी आई है कुछ हद हाँ तक और इंडस्ट्री आई है हॉस्पिटैलिटी बढ़ी है टूरिज्म बेहतर हुआ है आ, उन्होंने हॉकी के अंदर अपने राज्य का बहुत बड़ा स्थान दुनिया भर में बनाया है तो सारी बातें हुई हैं एक गरीब राज्य के लिए एक भारत के सबसे गरीब राज्यों में से एक जो हमेशा से सबसे गरीब राज्यों में एक था ये अच्छी उपलब्धियाँ हैं शिखर आज का आखिरी सवाल आ रहा है विशाल शर्मा का हमारे मेंबर हैं बोल रहे हैं आपके हालिया हेडलाइंस के पीछे एपिसोड में आपने मेंशन किया कि प्रशांत किशोर राजनीतिक डिटॉक्स पर हैं लेकिन अपनी सार्वजनिक बैठकों में वो इस बात पर वोकल रहे हैं कि बीजेपी सिर्फ कॉफी का झाग है और जबकि असली ताकत आरएसएस है उन्होंने बीजेपी की जड़ से आरएसएस यानी कि उसका मुकाबला करने के लिए नए सिरे से एक संगठन बनाने का भी संकेत दिया है आपके अनुभवी दृष्टिकोण से वो बोल रहे हैं कि आपको लगता है कि अगले पाँच से दस सालों के अंदर राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा को इफेक्टिव तरीके से काउंटर करना संभव है देखिए मैं उनकी बात से पूरा सहमत नहीं हूँ कि बीजेपी सिर्फ झाग है कॉफी का और नीचे असली आर एस है ज़रूर आरएसएस बीजेपी की रीढ़ की हड्डी है लेकिन जो मोदी हैं वो बीजेपी और आरएसएस से एक अलग तरह के नेता हैं आरएसएस कितनी भी शक्तिशाली हो बीजेपी अगर नरेंद्र मोदी ना हो तो बीजेपी के मुझे नहीं लगता कि डेढ़ सौ से ऊपर भी सीटें आएंगी तो अगर बीजेपी को मान लीजिए पिछली बार 38 प्रतिशत वोट मिला तो मैं कहूँगा करीब 24 प्रतिशत वोट बीजेपी का अपना पक्का वोट है पार्टी का लेकिन जो उसके ऊपर 13 14 प्रतिशत मिला वो नरेंद्र मोदी का वोट है उसके बिना बीजेपी डेढ़ सौ सीटों पे आ जाती है अगर 24-25 प्रतिशत वोट पे होती है तो ये ये कहना गलत है कि बीजेपी इस से एक झाग है क्योंकि जब बीजेपी अभी हम कहते हैं तो नरेंद्र मोदी नेता के साथ बीजेपी कहते हैं जी. दूसरी बात आरएसएस जैसा ऑर्गेनाइजेशन अब सौ साल आरएसएस अब सौ साल की होगी तो आप कितने दिन इंतजार करेंगे और आपकी आइडियोलॉजी क्या होगी आर एस एस की एक साफ आइडियोलॉजी है आप उससे सहमत हो असहमत हो खुश हो नाराज़ हो अलग बात है पर उसकी एक आइडियोलॉजी है जो उनकी चार किताबों में लिखी भी हुई है आर एस एस की जो एक तरह से एक सक्सेस भी हुई है ख़ास करके हिंदी हार्टलैंड के जो राज्य हैं उनमें वो इसलिए भी हुई है हुई है कि जो आर एस एस की आइडियोलॉजी बड़ी सीधी है बड़ी सिंपल है उसमें कुछ पेचीदा बातें नहीं हैं उस, उसके अंदर कोई बड़ी इंटेलेक्ट वाली बात भी नहीं है बड़ी सीधी बातें हैं तो ऐसी एक और आइडियोलॉजी निकालना एक ग्रुप खड़ा करना अगर आप कर पाए तो बहुत बड़ी बात होगी लेकिन उसको करना और उसको एक जीवन में बिल्ड कर पाना बहुत टफ होगा क्योंकि आर एस एस भी जब भी बनी है ये तीन पीढ़ियों ने काम किया है बल्कि चार पीढ़ियों ने काम किया है तब आर एस एस बनी है, और आर एस एस भी जो बनी है आर एस एस हमें इतनी शक्तिशाली ऑर्गेनाइजेशन भी लगती है संस्था भी लगती है उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि वहाँ पे आर एस एस ने नरेंद्र मोदी को प्रोड्यूस किया है तो नरेंद्र मोदी सिर्फ आर एस एस की वजह से नहीं है और नरेंद्र मोदी अपने अपने बूते पर एक नेता है जिसको हम कहते हैं सुई जेनरिस नेता है वो एक तरह के अपने आप है तो इसी बीजेपी में सारे स्वयंसेवक है बीजेपी आर एस एस से आए हुए कोई भी इतने वोट और इतनी सीटें बीजेपी को नहीं दिला सकता था ना दिला सकता है और मुझे लगता नहीं ना दिला पाएगा

बुधवार आपको फिक्स टाइम पे देंगे ये क्या रविवार भी अगर वापस जाएंगे तो फिक्स टाइम पे देंगे पांच बजे तो ताकि आपको एक प्रिडिक्टेबिलिटी रहे कि इतने बजे आपको हेडलाइंस के पीछे मिलेगा